एडिलेड में टीम इंडिया ने हार का सामना करने के बाद मेलबर्न में खेली गई टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जिस अंदाज में कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत को मिली कामयाबी में सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है। इस मैच में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने ही कमाल का प्रदर्शन करके टीम इंडिया को जीत दिलाई, लेकिन इस कामयाबी के बीच भारतीय टीम की कुछ खामियों पर पर्दा डल गया। लेकिन इन कमियों से अगर निपटा नहीं गया तो सिडनी में भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भारत के इस कमजोर नब्ज को पकड़कर उसकी तरफ इशारा किया है। जहीर के मुताबिक कमजोर कड़ी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा है, जो सीरीज के पहले दो मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के वाइस कैप्टन और तेज गेंदबाज पैट कमिंस के खिलाफ अपनी गिल्लियां बिखेरते दिखाई दिए। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा को संघर्ष करते हुए देखना चिंता की बात है। पुजारा ने पिछली बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सबसे ज्यादा 521 रन बनाए थे, लेकिन इस बार पहले दो टेस्ट मैच की चार पारियों में तीन बार कमिंस का शिकार हुए हैं। पुजारा ने इस बार अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। पुजारा को अपनी समस्या का तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि वहीं ऑस्ट्रेलियाई अटैक है जिसके खिलाफ उन्होंने पिछले सीरीज में 3 शतक लगाए थे, लेकिन कमिंस की डिलीवरी का कोण पुजारा के लिए इस बार एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा तकनीक से ज्यादा उनकी खराब फॉर्म की वजह से हो रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बचे हुए दो टेस्ट मुकाबलों में चेतेश्वर पुजारा क्या कमाल कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।